हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल गुलाब जामुन की रेसिपी। मैंने गुलाब जामुन बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, आप मेरी ट्रिक्स से बनाओगे तो आपके गुलाब जामुन भी बिना क्रैक के एकदम सॉफ्ट और मेल्टेड माउथ बनेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गुलाब जामुन बनाने के लिए 1.5 kg खोया लिया है। आप इसे घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर 1 cup रवा और 1 cup मैदा यूज़ किया है। कुछ पिंचेस यहाँ पर मैंने नमक यूज़ किया है। जब आप कुछ मीठा बना रहे हो उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दोगे तो मिठाई और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब मैं इसे एक अच्छा डो लगा लूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पर दूध का यूज़ करूँगी। इसका एक अच्छा सा डो लगा लेंगे। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और एक अच्छा सा डो लगा लें। इसका मेन है इसे बहुत अच्छे से मसलते हुए रेडी करना है। आप जितना ज्यादा इसे मसलोगे उतने ज्यादा अच्छे गुलाब जामुन आएंगे और फ्राई करते टाइम उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। तो आपको डो लगाते टाइम अच्छे से मसल के उसे रेडी करना है। डो लगने के बाद देखिए, मैं इसे ऐसे मसल रही हूँ, आप भी ऐसे ही मसलें। कम से कम 8 से 9 मिनट तक ऐसे ही मसलेंगे और डो को रेडी कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर 6 से 7 टेबल स्पून दूध का यूज़ किया है। अब इसके हम गुलाब जामुन बनाएंगे। आपको जिस भी साइज़ में गुलाब जामुन चाहिए आप उस साइज़ से डो ले और दोनों हाथों की हथेली से उसे गोल गोल करके आप गुलाब जामुन बनाएं। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अगर डो आपका परफेक्ट लगा है तो गुलाब जामुन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं किया है। ये ऐसे ही बहुत अच्छे से बनेंगे। ऐसे ही मैं सारे गुलाब जामुन को बना लूँगी। लगभग सारे गुलाब जामुन बन चुके हैं। मैंने सारे गुलाब जामुन मीडियम साइज़ के बनाए हैं। आप इसका साइज थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। सारे गुलाब जामुन बनके रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इसे मीडियम साइज में बनाया है। एकदम गोल बने हैं और इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। अब हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप शक्कर ली है और इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। इसकी चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ी और ज़्यादा पतली नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पे अच्छे से शक्कर को घुलने देंगे। गुलाब जामुन में अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर 4 इलायची यूज़ किए। इसे मैं शक्कर में अच्छे से पीस लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। और इसमें मैंने थोड़ी सी केसर यूज़ की है। इसे अच्छे से चलाते हुए इसे रेडी करना है। सारी शक्कर घुल गई है, अब इसे हम चेक करेंगे। देखिए, थोड़ा ठीक लग रहा है, इट मीन्स हमारी चाशनी रेडी है। इसे रेडी होने में 10 से 12 मिनट लगते हैं। अब हम गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए घी का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 कप घी लिया है। अब इसे चेक करेंगे, घी गर्म हो चुका है। देखिए, ये ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम गुलाब जामुन ऐड करेंगे।
और सारे गुलाब जामुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक बेच में आपके जितने गुलाब जामुन आ जाते हैं आप उतने डाल के इन्हें फ्राई कर लीजिए। इसे अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। देखिए गुलाब जामुन में एक अच्छा सा कलर आने लग गया है। इसे फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। आप इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई करें जिससे ये चारों तरफ अच्छे से फ्राई हो और चारों तरफ अच्छे से कलर आए। देखिए गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक स्ट्रेनर से निकाल लेंगे और सारे गुलाब जामुन ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। सारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी ठंडी है, आप देख सकते हैं गुलाब जामुन कितने अच्छे बने हैं। आप इसे आधे से 1 घंटे के लिए ढक के रखें तो गुलाब जामुन के अंदर पूरा रस चला जाएगा। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितने अच्छे बने हैं और एकदम सॉफ्ट बने हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर तक रस चला गया है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। किसी भी ओकेशन पे आप भी इन्हें ट्राई कीजिए और आपके फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। ये बहुत ही अच्छे बने हैं। फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।